हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट क्लासेस। माय नेम इज़ डिम्पी और आज हम हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलर्ट अमिड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, उसमें डाउट होता है, तो उसे अनसर्टेन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ इंडिया में चल रहा है। हमारी जो इकनॉमी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, वल्नरेबल सिचुएशन है इकनॉमी की। तो इन सब के बीच आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन ये है कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसे ना तो बढ़ाया है ना घटाया है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी बैठी थी, जो मीटिंग हुई, उसमें इंटरेस्ट रेट्स को ना तो आरबीआई ने बढ़ाया ना घटाया, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 6.1% इन्फ्लेशन इस वक्त की है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इसीलिए आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको ना तो बढ़ाया है ना घटाया है। सो आज का एडिटोरियल इसी के बारे में है। ये आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब हम इस एडिटोरियल के वोकैबुलरीज देखते हैं। तो पहला है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, वाइज। दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब भी किसी भी सामान का प्राइस बढ़ता जाता है, ठीक है, कंटिन्यूअस उसके प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, तो उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो चीज़ नई है, इससे पहले कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसे अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। जैसे कि कोविड-19, कोरोना वायरस, वो एक नोवेल वायरस है क्योंकि इससे पहले कोरोना आया नहीं था, पहली बार आया है। मैंडेट का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर देना ताकि वो प्रोसीजर कंटिन्यू हो सके। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है जो अननोन है, बहुत से लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, नॉट नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में आपने अभी से ही जजमेंट दे दिया, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट होगा आपने अभी ही फोकास्ट कर दिया, दैट इज़ प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट इज़ हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब जनरल मतलब होता है कि जब कोई विंड, जब कोई हवा एक डायरेक्शन में बहती है तो उसे हेडविंड्स कहते हैं। और दूसरा इसका ये भी है कि जब आप कुछ करते हो, कोई डिसीजन लेते हो या फिर लाइफ में कुछ कर रहे हो, तो उसको जब कोई अपोज करता है तो उसे हेडविंड्स कहते हैं, अपोजिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। कीप वंस पाउडर ड्राई। कीप वंस पाउडर ड्राई एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि सावधान रहना, ठीक है, और किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना, दैट इज़ कीप वंस पाउडर ड्राई। अनटैंगल। अनटैंगल का मतलब होता है सुलझाना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो उसको सुलझाना, दैट इज़ अनटैंगल। ओनस। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ लेट्स सी कि एडिटोरियल कहता क्या है। द आरबीआई हैज़ प्रूडेंटली डिसाइडेड टू कीप इट्स पाउडर ड्राई फॉर नाउ। तो इस वक्त के लिए आरबीआई ने बहुत स्मार्टली डिसाइड किया है कि वो अलर्ट रहेगी और करेक्ट डिसीजन लेने के लिए वेट करेगी, ठीक है। साइटिंग द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, बहुत काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, दैट कैरेक्टराइजेस द करंट आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफ़ी वल्नरेबल है और जो इन्फ्लेशन वो 6.1% है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो करेक्ट डिसीजन तब लेगी जब सही वक्त होगा और उस टाइम के लिए आरबीआई वेट करेगी। ऑब्जर्विंग दैट द अनप्रेसिडेंटेड शॉक। अनप्रेसिडेंटेड दैट इज़ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। फ्रॉम द पैंडमिक हैज़ लेफ्ट द इकोनॉमी स्ट्रेस्ड। जो पैंडमिक हुआ, कोविड-19, इसने क्या किया, एक अनप्रेसिडेंटेड शॉक दिया, ठीक है। कोविड-19 की वजह से ऐसा सिचुएशन आ गया है जो पहले कभी देखा नहीं गया। द इकोनॉमी स्ट्रेस्ड। इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, काफ़ी इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब हो चुकी है। The RBI said that while the Monetary Policy Committee recognized the primacy of supporting a recovery, अब RBI ने कहा है कि इस वक्त इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. It was necessarily mindful of its inflation targeting mandate. सो यहाँ पे दो मेजर बातें RBI ने बोली है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी बैठी, ठीक है, तो उसमें दो मोटिव्स या फिर दो पर्पस रखे गए. पहला तो ये कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, ठीक, और उसे स्टेबल करने के लिए कुछ स्टेप्स, मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. और दूसरी बात ये कि जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने कुछ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसे फॉलो किया जाना चाहिए. द पिक्चर्स ऑन प्राइजेस इज़ क्लाउडेड बाय मैनी अनसर्टेनिटीज़. अब यहाँ एडिटोरियल कहता है कि जो भी गुड्स हैं उसके जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी अनसर्टेन है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है कि क्या प्राइजेस होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है और इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब है, तो इसीलिए प्राइजेस कुछ फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है. वाइल द प्रोविजनल जून CPI इन्फ्लेशन रीडिंग ऑफ 6.1% हैड एज्ड ओवर द अपर बाउंड. अब यहाँ एडिटोरियल कहता है कि जो CPI इन्फ्लेशन रीडिंग है, CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, एक सर्वे किया जाता है जिससे ये पता किया जाता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है. तो जब ये सर्वे किया गया जून में, तो जून के CPI इन्फ्लेशन रीडिंग आई और उसमें ये पता चला कि इन्फ्लेशन 6.1 है, जो कि जो मैक्सिमम है, अपर बाउंड मतलब कि मैक्सिमम जितना होना चाहिए इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है ये, ठीक है, ऑफ द मैंडेटेड मीडियम टर्म गोल ऑफ 4% ±2. अब एक मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि एक एवरेज सपोज 4% इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है 2% ज़्यादा, दैट इज़ 6%, 4 में 2% ऐड कर दिया तो 6%, और अगर कम से कम अगर होगा तो 2% घटा देंगे तो ये 2% हो जाएगा, ठीक है. तो मैक्सिमम ये 6% होगा और अगर मिनिमम की बात करें तो ये 2% होगा. लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है 6.1, मतलब कि ये मैक्सिमम से ज़्यादा है, 6% से भी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है. अ स्पाइक इन फूड प्राइजेस एज वेल एज कॉस्ट पुश प्रेशर्स फ्रॉम हायर ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड रॉ मटेरियल प्राइजेस वेर कंबाइनिंग टू ऑब्स्कर द इन्फ्लेशन आउटलुक. अब अगर हम बात करें जो फूड प्राइजेस हैं या फिर जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल हैं या फिर रॉ मटेरियल्स हैं, इन तीनों को अगर कंबाइन किया जाए तो ये हमें एक इन्फ्लेशन का एक क्लियर पिक्चर नहीं बताती है. वो इसलिए क्योंकि जो फूड प्राइजेस या फिर जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल या रॉ मटेरियल के प्राइजेस हैं, उनके प्राइजेस काफ़ी अनसर्टेन हैं, वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनके प्राइजेस एक फ़िक्स नहीं है कि ये इतना ही है, तो इसीलिए ये हमें इन्फ्लेशन का एक क्लियर पिक्चर नहीं देती है. अब एडिटोरियल एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है, वो कहता है कि जो एक्सटर्नल डिमांड्स हैं, एक्सटर्नल डिमांड्स का मतलब हो गया कि ऐसे कंट्रीज़ जो इंडिया से गुड्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है, दैट मीन्स इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, दैट ऑल्सो फेसेस हेडविंड्स. हेडविंड्स का मतलब हो गया कि एक ऑब्स्टिकल होना, ठीक है, तो जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी ऑब्स्टिकल फेस कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन. वो इसलिए ऑब्स्टिकल फेस कर रहा है, रुकावट इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो भी रिसेशन में है, उसकी भी कंडीशन ख़राब है, मंदी छाई हुई है. एंड एज ग्लोबल ट्रेड श्रिंक्स, और जो ग्लोबली जो ट्रेड होते हैं, व्यापार जो होते हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं. फोरकास्टिंग अ कॉन्ट्रैक्शन इन रियल GDP इन द करेंट फिस्कल ईयर. RBI जो है उसने एक प्रिडिक्शन किया था कि जो करेंट फिस्कल ईयर है उसकी जो GDP होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब कि वो उसमें कमी आएगी. और हम सबको पता है कि जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतना अच्छा इकोनॉमी होगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, और जितनी कम जीडीपी होगी इकोनॉमी की कंडीशन उतनी ख़राब होगी। ठीक है, तो आरबीआई ने कहा था कि जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब आरबीआई ने दूसरी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात कहती है आरबीआई। द आरबीआई रादर ऑप्टिमिस्टिकली, बहुत पॉजिटिव होके उसने ये कहा है दैट एन अर्ली कंटेनमेंट ऑफ द पैंडमिक मे इम्पार्ट एन अपसाइड सरप्राइज टू दिस आउटलुक। अब आरबीआई कहता है कि अगर कोविड-19 जो पैंडमिक है, ठीक है, उसे कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है, तब ये कंडीशन बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है। आरबीआई बहुत पॉजिटिव होकर कहती है कि ये कंडीशन ऑपोजिट हो सकती है, जीडीपी बढ़ सकती है और इकोनॉमी फ्लरिश हो सकती है। ये तभी होगा जब पैंडमिक को हम कंट्रोल कर लेंगे। अब कुछ फाइनल पॉइंट्स हैं जहाँ पे एडिटोरियल जो है वो सजेशन देता है। वो कहता है कि जो गवर्नर है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, अब उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ओनस है कि वो किस तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और ये भी कहता है कि एनी हार्म टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क अंडरमाइनिंग द इकोनॉमी एज अ होल। किसी भी तरीके का अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई भी रिस्क हुआ या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं वो किसी भी तरीके से अनस्टेबल हुए तो ये असर पूरे इकोनॉमी पे पड़ेगा। ठीक है, पूरे इकोनॉमी पे एज अ होल असर पड़ेगा। सो ये था आज का एडिटोरियल। ये एक शॉर्ट समरी था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।